नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह आपका स्वागत करती हूं प्रेरणा न्यूज में। विद्या भारती खोलेगी सैनिक विद्यालय, शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी सीटें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन विद्या भारती एक सैनिक विद्यालय खोलने जा रहा है, जहां छात्रों को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सरसंघचालक राजेंद्र सिंह उफ रज्जू भैया के नाम पर इसका नाम रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर रखा जाएगा। इसी जगह 1922 में रज्जू भैया का जन्म हुआ था। CBSE बोर्ड पाठ्यक्रम से संचालित होने वाले इस विद्यालय में छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र अध्ययन कर सकेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले छठी क्लास के लिए 160 छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। खास बात यह है कि 56 सीटें शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी यहाँ छात्रों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा होगी। बेटे की शहादत से प्रेरणा ले देहरादून के ब्रिगेडियर भारत माता को दे रहे अनेकों सपूत। रिटायर्ड ब्रिगेडियर PS गुरुंग के पुत्र शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग 1998 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। बेटे की शहादत के बाद गुरुंग ने ठान लिया कि वह गौतम जैसे युवाओं का करियर संवारने को सेना के लिए जांबाज तैयार करेंगे। देहरादून के गढ़ी कैंट में रहने वाले ब्रिगेडियर PS गुरुंग ने गौतम के शहीद होने पर जो भी पैसा सरकार से मिला या फिर पेंशन की रकम मिली, उससे शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के नाम से देहरादून में गौतम गुरुंग बॉक्सिंग क्लब बनाया। वर्तमान में बॉक्सिंग क्लब में 103 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिन्हें क्लब निशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही बॉक्सिंग किट भी उपलब्ध कराता है। वे स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम बॉक्सिंग क्लब से प्रशिक्षण लेकर 27 खिलाड़ी गढ़वाल राइफल, 17 खिलाड़ी गोरखा राइफल, 6 खिलाड़ी कुमाऊं, 1 BSF, 7 CRPF, 2 उत्तराखंड पुलिस, 1 CISF, 1 दिल्ली पुलिस, 1 असम राइफल व 1 नेवी में सेवा दे रहे हैं। भारत में वन्य जीवों व पौधों की 22 प्रजातियों के विलुप्त होने का वाइल्ड लाइफ सर्वे ने किया खुलासा। भारत में वन्य जीवों व पौधों के विलुप्त होने के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो पर्यावरण संतुलन के नजरिए से बेहद चिंताजनक हैं। वाइल्ड लाइफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत से कई जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसमें 1750 से लेकर साल 1876 तक के आंकड़े दिए गए हैं। जीवों की 4 प्रजातियां और वनस्पतियों की 18 प्रजातियां पिछले कई वर्षों में भारत से विलुप्त हो चुकी हैं। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक AA माओ ने कहा कि भारत दुनिया में सभी वनस्पतियों के 11.5% का घर है। शामली मदरसे में पुलिस की छापेमारी, मदरसे में रहने वाले 4 विदेशी घुसपैठियों समेत 7 गिरफ्तार। शामली पुलिस ने मौलवी और छात्र बनकर मदरसों में रहने वाले 4 विदेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। म्यांमार के रहने वाले ये संदिग्ध विदेशी जलालाबाद के मदरसे में छिपकर रह रहे थे। इनमें से एक मदरसा अशरफिया में बतौर मौलवी बच्चों को पढ़ाता था और नौमान अली नाम के एक शख्स को बतौर छात्र अपने पास रखा हुआ था। वहीं मदरसा मिफ्ताउल उलूम में छात्रों के रूप में रिजवान और फुरकान को भी ठहरा रखा था। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप में 3 मदरसा संचालकों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं समेत विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से भारतीय नागरिकता के दस्तावेज, सच छिपाकर बनवाए गए शरणार्थी दस्तावेज, म्यांमार करेंसी, ATM, फोन भी बरामद किए गए हैं। सावन में पवित्र कांवड़ यात्रा की धूम चारों ओर है। आइए आपको दिखाते हैं कांवड़ के अनोखे रंग। कांवड़ियों ने निकाली राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी तिरंगा कांवड़। बुलंदशहर के केशोपुर सठला निवासी कांवड़ियों का जत्था 401 फुट लंबा तिरंगा कांवड़ लेकर चल रहा है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राकेश कुमार ने बताया कि तिरंगा कांवड़ लाने का उद्देश्य कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। वे तिरंगा कांवड़ के माध्यम से देशवासियों को सैनिकों की शहादत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जत्थे में सैनिक की वर्दी पहने 6 से लेकर 40 वर्ष तक के 72 ग्रामीण भी शामिल है। शिव भक्तों की देशभक्ति और इस अनोखे तिरंगा कांवड़ को हर कोई नमन कर रहा है। अब देखते हैं सौहार्द के रंग में रंगी कांवड़। यूपी के फर्रुखाबाद जिले की कोतवाली फतेहगढ़ के जीशान अहमद ने कांवड़ ले जाकर यह सिद्ध कर दिया
कि कट्टरता से परे रहकर ही व्यक्ति एकता और शांति का अनुभव कर सकता है। जीशान फर्रुखाबाद के पांचाल घाट के गंगा घाट से कांवड़ लेकर गोला गोरखनाथ के लिए रवाना हुए हैं। वहां जल चढ़ाने के बाद टनकपुर माँ पूर्णागिरी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। जीशान का कहना है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि आपस में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सभी ऊपर वाले की संतान हैं। गौरतलब है कि जीशान लगातार 3 सालों से शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं और अब माता पिता के प्रति भक्ति का वो रंग जिसमें श्रवण बन पुत्र माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार जा पहुंचे। पानीपत के रहने वाले पप्पन और सतेंद्र भाई हैं। इनके गांव से हरिद्वार की दूरी करीब 175 किलोमीटर है। 20 जुलाई को दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू की थी। इससे पहले यहां माता पिता को गंगा स्नान कराया गया और पवित्र गंगा जल लिया गया। कांवड़ के दोनों छोर पर टोकरियां बांध रखी हैं, जिसमें एक तरफ अपनी माँ व दूसरी तरफ पिता को बिठा रखा है और इसमें गंगा जल भी रखा है। इनका कहना है कि हम 4 भाई हैं। पिछले साल 2 भाई माता पिता को इसी तरह लेकर आए थे। इस साल हमें भी माता पिता की सेवा करने का मौका मिला है। हमारे लिए माता पिता ही हमारे भगवान है। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।